दोनों फोटो में एक ही महिला है, नाम सुनीता, उम्र करीब 29 साल। हालांकि सुनीता को अपनी उम्र याद नहीं, इसकी वजह है बेरहमी से लगातार पिटाई। सुनीता बीजेपी से सस्पेंड सीमा पात्रा के घर में काम करती थी। यहां उन्हें बुरी तरह मारा जाता था, इससे उनके तार टूट गए, पैरों ने काम करना बंद कर दिया, चेहरे और हाथ पर जले के कई निशान बन गए। उन्होंने बताया कि उनका घर झारखंड के गुमला जिले में पड़ता है। वो अपने ननिहाल के जरिए सीमा पात्रा के घर पहुंची थी। उनके घर में रहकर झाड़ू पोछा बर्तन और धीरे धीरे खाना बनाना शुरू किया था। 3 साल पहले तक दिल्ली में वसंत कुंज में उनकी बेटी के यहाँ भी रही, फिर रांची आ गई। यहीं से मैडम का बर्ताव बदल गया। वे मुझसे कहती थी कि तुम्हारी तनख्वाह बैंक अकाउंट में जमा कर दी है, मैंने कभी पासबुक देखी नहीं, नहीं पता था कि अकाउंट में पैसा डालती भी थी या नहीं। मेरा आधार कार्ड और बैंक की पासबुक सीमा के पास ही थी। मैं उनसे कहती थी कि मुझे कुछ दिन रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, तो नहीं जाने देती थी। कहती थी कि मार के फेंक देंगे, मुंह बंद रखो। 1 साल तो घर से बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं रहा। कोशिश भी करी घर से भागने की, लेकिन उन्हें पता चल गया। इसके बाद मेरी खूब पिटाई की, कई दिन तक अंधेरे कमरे में बंद रखा, ठीक से खाना तक नहीं खाने देती थी। मैं चल पाती थी तब तक मुझे झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब करवाती थी, दिल्ली में भी पूरा काम कराती थी। रांची आने के बाद उन्होंने इतनी ज़्यादा पिटाई शुरू कर दी कि मेरी हालत बिगड़ने लगी। कभी कमर पर लात मार देती तो कभी बर्तन फेंक कर मार देती। पिटाई की वजह से मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया। किचन का सामान बेलन तवा कढ़ाई फ्राइंग पैन फेंक कर मार देती थी। गर्म तवे से मारती थी तो मैं बचने के लिए हाथ आगे कर देती थी। हाथ दिखाते हुए उन्होंने ये भी बताया कि ये इतने सारे काले निशान दिख रहे हैं, ये सभी तवे से जलाने के हैं। वे कितना भी मार दें उनके हाथ थक। मेरी ये हालत सीमा पात्रा की वजह से है। मैं उनकी बेटी के यहाँ रहती थी, तब तक सब कुछ ठीक था। मुझे ये लोग बाहर घुमाने भी ले जाते थे। आप मेरी पहले की फ़ोटो देखिए, मैं सीधी खड़ी रह पाती थी, दौड़ भी सकती थी। आज मेरी ऐसी हालत है कि मैं चल तक नहीं सकती, कमर झुक गई है, ठीक से बोला भी नहीं जा रहा। कई कई हफ्ते ऐसे बीते कि मैंने सूरज की रोशनी तक नहीं देखी। सुनीता गुमला में रहती थी। बचपन में माँ की मौत हो गई और गांव के स्कूल में 8वीं तक पढ़ाई की। कोई देखभाल करने वाला नहीं था तो 22 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और रांची आ गई। 2012 में सीमा पात्रा के घर में हाउस हेल्प के तौर पर काम शुरू किया। इसके बाद दिल्ली चली गई और 2019 तक पात्रा की बेटी के घर काम करती रही। फिर सीमा के पास रांची लौट आई। 22 अगस्त को उन्हें पुलिस ने सीमा के घर छुड़ाया। रिटायर्ड आईएएस महेश्वर पात्रा की पत्नी बीजेपी महिला विंग की राष्ट्रीय कार्य समिति की मेंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर अभी पार्टी से सस्पेंड है। 1991 में पलामू से लोकसभा चुनाव लड़ा था। पहले आरजेडी और लगभग 2 साल कांग्रेस में रही। प्रदेश कांग्रेस में सचिव का पद संभाला। रांची के पॉश एरिया अशोकनगर में रहती हैं। पति महेश्वर पात्रा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी रहे और डेवलपमेंट कमिश्नर के पद से रिटायर हुए। जी हाँ, आपको बता दें, सुनीता के मामले में विवेक बास्के ने ही FIR दर्ज कराई है। विवेक सरकारी अधिकारी हैं। वे और आयुष्मान 2002 में साथ पढ़ते थे। 2 अगस्त को आयुष्मान ने विवेक को फ़ोन पर बताया था कि उसकी माँ सुनीता को पीट रही है। इसके बाद विवेक ने सारी जानकारियाँ जुटा कर 22 अगस्त को सीमा पात्रा के खिलाफ हरघोड़ा थाने में केस दर्ज किया। आपको बता दें, आयुष्मान ने ही सुनीता से मारपीट की बात पुलिस को बताई। उन्होंने बताया कि मेरी माँ सीमा पात्रा ने मेड को 3 साल तक एक कमरे में बंद रखा। आयुष्मान ने पहले अपनी माँ से इस बारे में बात की थी, पर सीमा ने उन्हें मानसिक रोगी बताकर रांची के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री भिजवा दिया। बाद में उन्हें रिलीज भी करा लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।